हाँ जी बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे शेयर कैपिटल के बारे में। शेयर का आप लोगों ने नाम पहले भी सुना होगा, शेयर कहते किसे हैं। शेयर्स की हम बात करें, पहले तो शेयर का मीनिंग देख लेते हैं। शेयर का मतलब होता है पार्ट। अगर आप किसी भी आइटम को डिवाइड करते हैं पार्ट में, तो एक इंडिविजुअली पार्ट आपका क्या कहलाता है, शेयर कहलाता है। ठीक है, उसी तरीके से आज हम लोग यहां पर पढ़ने जा रहे हैं शेयर कैपिटल। तो जब टोटल कैपिटल को कंपनी की हम डिवाइड करते हैं पार्ट में, एक इंडिविजुअल यूनिट्स में, तो हर एक इंडिविजुअल यूनिट कहलाती है शेयर। क्लियर है? तो शेयर कैपिटल का मीनिंग क्या होगा, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू पार्ट, देन ईच इंडिविजुअल पार्ट इज नोन एज द शेयर, एंड द टोटल कैपिटल विच इज रेज थ्रू द शेयर इज नोन एज द शेयर कैपिटल। क्लियर है? शेयर कैपिटल दो तरह के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर आप लोग जानते हैं कि जब कंपनी इशू करती है शेयर्स, जिनके पास में प्रेफरेंशियल राइट होते हैं, यानी कि कंपनी डिविडेंड देगी तो पहले प्रेफरेंस शेयर्स को देगी। इक्विटी शेयर्स के पास में ज़्यादा रिस्क होता है, कंपनी वाइंड अप के समय जब पैसा वापस करेगी तो पहले प्रेफरेंस शेयर्स का वापस करेगी, बाद में इक्विटी शेयर्स को वापस करेगी। कंपनी के डायरेक्टर्स के पास वोटिंग राइट होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होता है, जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास में कोई वोटिंग राइट नहीं होते जनरल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में। ठीक है, हम लोग यहाँ पर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। तो शेयर कैपिटल का डिवीजन होता है, सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है? ऑथराइज्ड कैपिटल जब भी आप कंपनी फॉर्म करते हैं, कंपनी फॉर्म करने के बाद में उसको रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, तो कंपनी के रजिस्ट्रार के पास में जा करके आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपकी कंपनी मैक्सिमम कितना अमाउंट रेज कर सकती है शेयर्स के थ्रू पब्लिक से, दैट विल बी द ऑथराइज्ड कैपिटल। इसको हम और भी अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल, फ्लोटेड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल। ओके, इसके बाद हम लोग बात करते हैं इशूड कैपिटल की। जितने कंपनी ऑफर करती है पब्लिक को शेयर्स, वो कहलाते हैं इशूड शेयर कैपिटल। इसके बाद हम बात करते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल की। तो जितने शेयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई हैं पब्लिक से कंपनी को, वो कहलाएगा सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल की। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, इट इज ऑल्सो नोन एज द फ्लोटेड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल। ये वो अमाउंट है कैपिटल का जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होता है कि कंपनी इससे ज्यादा शेयर्स ऑफर नहीं कर सकती है पब्लिक को। इट इज मेंशन्ड इन कंपनीज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सेकंड, आप कह सकते हैं इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर दैट अ कंपनी कैन रेज। ठीक है, इसके बाद सेकेंड पार्ट हमारा आता है इशूड कैपिटल का। सपोज आपने कंपनी फॉर्म की, उसको रजिस्टर्ड कराया, रजिस्टर्ड कराने के बाद में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया कि आपकी कंपनी मैक्सिमम 10 लाख शेयर्स इशू कर सकती है 100 रुपीज ईच, तो वो टोटल क्या होगा आपका, ऑथराइज्ड कैपिटल। 10 लाख शेयर्स आपकी कंपनी इशू कर सकती है, वो ऑथराइज्ड कैपिटल है। लेकिन अभी कंपनी को 10 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, यानी कि 10 करोड़ रुपीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको सपोज रिक्वायरमेंट है 5 करोड़ रुपीज की, तो आपकी कंपनी क्या करेगी, आपकी कंपनी 5 लाख शेयर्स इशू करेगी मार्केट में ऑफ रुपीज 100 ईच, तो दैट विल बी द इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या होगा, इट इज द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल दैट इज ऑफर्ड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। जितने शेयर्स आपकी कंपनी पब्लिक को ऑफर कर रही है वो आपकी इश्यूड कैपिटल है। इट कैन नेवर एक्सीड द ऑथराइज्ड कैपिटल, याद रखिएगा ये कभी भी ऑथराइज्ड कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकती। इट इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, आप मेंशन कर सकते हैं इट इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल,
इट कैन नेवर एक्सीड द अमाउंट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, ये कभी भी ऑथराइज्ड कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकती। अब थर्ड हमारा आता है क्लासिफिकेशन के अंदर सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल के बारे में क्या बात करते हैं हम लोग, जितने शेयर्स हमारी कंपनी ऑफर कर रही है पब्लिक को, सपोज हमने ऑफर किए 5 लाख शेयर्स पब्लिक को, दैट विल बी नोन एज द इशूड कैपिटल। बट जरूरी तो नहीं है कि जितने शेयर्स हमने ऑफर किए मार्केट में पब्लिक से हमें उतने ही शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव होंगी। हमने ऑफर किए 5 लाख शेयर्स, अगर हमारी कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है तो ऑब्वियस है ज्यादा शेयर्स के लिए पब्लिक सब्सक्राइब करेगी, मतलब कंपनी से पब्लिक ज्यादा शेयर्स मांगेगी। तो उस कंडीशन को कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। जितने शेयर्स पब्लिक की तरफ से एप्लीकेशन आ रही है कंपनी के पास में, दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्लियर? अगर सब्सक्रिप्शन ज्यादा आई है, एप्लीकेशन ज्यादा आई है जितने शेयर हमने इशू किए थे, ऑफर किए थे, दैट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। लेकिन अगर जितने शेयर्स हमने इशू किए हैं उससे कम एप्लीकेशन हमें मिली है, दैट इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन। याद रखिएगा, अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में कंपनी को फेस करनी पड़ सकती है प्रॉब्लम ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो पहले बात करते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन की। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, दिस इज द नंबर ऑफ शेयर व्हेन अप्लाइड इज मोर देन द शेयर इशूड, सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज द नंबर ऑफ शेयर फॉर विच एप्लीकेशन इज रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक। जितने अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल के लिए पब्लिक से एप्लीकेशन मिली है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ये दो तरह के हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन और सेकेंड इज अंडर सब्सक्रिप्शन। अगर जो एप्लीकेशन हमें मिली है वो जितने शेयर्स हमने ऑफर किए थे उससे ज्यादा है तो ओवर सब्सक्रिप्शन, जो शेयर्स हम ऑफर कर रहे हैं उससे कम एप्लीकेशन मिलती है, दैट इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन। क्लियर हो गया? इसके आगे अब हम चलेंगे कॉल्ड अप कैपिटल की हम बात करेंगे। कॉल्ड अप कैपिटल से पहले आपको समझना होगा शेयर्स को इशू करने का प्रोसीजर। शेयर्स जब हम इशू करते हैं तो दो तरह से शेयर्स हम इशू कर सकते हैं। एक प्रोसेस होता है लमसम, मतलब सारा पैसा एक साथ ले लिया। ठीक है, सपोज हमारे एक पार्ट की वैल्यू, एक शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपीज है। कंपनी यदि सारा पैसा एक बार में लेती है तो उसे बोलते हैं इशू ऑफ शेयर इन लमसम, इकट्ठा पैसा लेना। कंपनी 100 शेयर को डिवाइड करके भी पार्ट में भी पैसा ले सकती है, यानी कि कुछ हम इंस्टॉलमेंट डिसाइड कर देते हैं। सपोज 100 रुपीज़ का शेयर है, हमने उसको डिसाइड कर दिया रुपीज़ 100 का एक शेयर है, ये 100 रुपीज़ हमारे शेयर की फेस वैल्यू है। ठीक है, अभी सिंगल यूनिट में तो अमाउंट बहुत छोटा है, लेकिन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए अगर अलग अलग शेयर होल्डर्स अप्लाई करते हैं, मान लीजिए हमारे मार्केट में बहुत सारे शेयर हैं, 1000 शेयर्स हैं, 10,000 शेयर्स हैं, बहुत सारे शेयर्स हैं, तो एक एक पर्सन हो सकता है कि काफ़ी सारे शेयर्स के लिए अप्लाई करता है। अगर मान लीजिए एक पर्सन अप्लाई कर रहा है 1000 शेयर्स के लिए तो उसे कितना पैसा देना पड़ेगा, 1000 × 100, 1 लाख रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस पैसे को पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक होती है एप्लीकेशन, एक होती है अलॉटमेंट, एक होती है फर्स्ट कॉल, एक होता है आपका सेकंड कॉल। 100 रुपीज में से सपोज 20 रुपीज एप्लीकेशन पर आए हैं, 30 रुपीज अलॉटमेंट पर आए हैं, फर्स्ट कॉल पर आए हैं आपके 25 रुपीज और सेकंड कॉल पर भी आए हैं 25 रुपीज। कंपनी अलग अलग इंस्टॉलमेंट में ये पैसा ले रही है, तो ये अलग अलग डेट को होता है। मान लीजिए 1 जनवरी को है, ये 1 अप्रैल को है, ये 1 जुलाई को है, ये 31 दिसंबर को है। ये याद रखिएगा कि फुल अमाउंट ऑफ शेयर शुड बी कॉल्ड विद इन अ ईयर, पूरे शेयर का पैसा
कंपनी को विद इन अ ईयर कॉल करना पड़ता है, विद इन 12 मंथ्स कंपनी को शेयर अमाउंट का पैसा कॉल करना पड़ता है। और याद रखिएगा कि दो कॉल्स के बीच में मिनिमम 30 डेज का गैप होना चाहिए। ये भी है हमारे थ्योरी में कि एप्लीकेशन पर मिनिमम कितना अमाउंट रिसीव कर सकती है कंपनी, तो मिनिमम 25% मस्ट बी रेज ऑन शेयर्स ऑन एप्लीकेशन। तो यहाँ पर हम इसको 25 कर दें तो ज़्यादा बेटर है, यहाँ पर भी 25 हो जाएगा। अब अगर हम बात करें, मान लीजिए हम अभी हैं 31 अगस्त को, तो अगस्त तक कंपनी ने एक शेयर पर कितना अमाउंट कॉल किया है, अगस्त तक कंपनी ने एक शेयर पर कॉल किया है कितना, 75 रुपीज। तो ये 75 रुपीज क्या कहलाएगा हमारा, दिस विल बी द कॉल्ड अप कैपिटल, ठीक है, पर शेयर रुपीज 75 कॉल्ड है। मान लीजिए सपोज कि आपके मार्केट में 50,000 शेयर्स हैं, तो टोटल कॉल्ड अप कैपिटल विल बी 50,000 × 75, ये हो गया आपका 37,50,000 रुपीज, ठीक है, दिस विल बी द कॉल्ड अप कैपिटल। जो कंपनी ने पैसा अभी नहीं मंगाया है, दैट विल बी कॉल्ड अनकॉल्ड कैपिटल। कितना अमाउंट अभी कंपनी ने नहीं मंगाया है, 50,000 आपके मार्केट में शेयर्स हैं, 25 रुपीज अभी आपने नहीं मंगाया है, तो दैट विल बी कॉल्ड अनकॉल्ड कैपिटल, रुपीज 12,50,000 विल बी द अनकॉल्ड कैपिटल। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब हम इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। इसमें एक दो चीजें और देख लीजिए, कॉल सिनेरियो किसे कहते हैं, कॉल सिनेरियो इज द अमाउंट विच इज कॉल्ड बट नॉट पेड बाय शेयर होल्डर। दैट इज कॉल्ड कॉल सिनेरियो। पेड अप कैपिटल आप किसे बोलेंगे, पेड अप कैपिटल इज कॉल्ड अप मनी लेस कॉल सिनेरियो। जो आपने मंगाया लेकिन आपको मिला नहीं, मान लीजिए वो कॉल सिनेरियो होता है, सपोज आपने कॉल तो किया था रुपीज 37,50,000 रुपीज, ये आपने कॉल किया था, हमारे पास मार्केट में कितने शेयर्स थे, 50,000 शेयर्स थे, या अलग अलग लोगों के पास थे, ए बी सी डी बहुत सारे लोगों के पास थे, तो उस 50,000 शेयर्स में से सपोज राम के पास 100 शेयर्स थे और राम ने 100 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल का 25 रुपीज नहीं दिया, तो कॉल सिनेरियो क्या कहलाएगा आपका, 2,500 रुपीज, 100 शेयर्स फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी ऑफ रुपीज 25। तो कॉल सिनेरियो उस केस में कितना हो गया, हमने एक एग्जांपल लिया कि 100 शेयर्स ने 25 रुपीज पे नहीं किए, तो कॉल सिनेरियो विल बी द 2,500। तो पेड अप कैपिटल कितनी हो जाएगी आपकी, 37,47,500 रुपीज विल बी द पेड अप कैपिटल। क्लियर हो गया। अब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट शुरू करते हैं इसका। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में शेयर्स को आप किस तरह से इश्यू कर सकते हैं, इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ शेयर के दो केसेस हैं, फॉर कैश और सेकंड है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। फॉर कैश के अंदर अगर हम बात करें कि इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश, तो यहां पर शेयर आप इश्यू कर सकते हैं दो तरह से, इन लमसम और सेकंड है इन इंस्टॉलमेंट, ठीक है, मतलब इकट्ठा पैसा, सारा पैसा एक ही बार में आपने एप्लीकेशन के साथ रिसीव कर लिया, सारा पैसा आपने इंस्टॉलमेंट में लिया है। इन दोनों ही कंडीशन में शेयर्स हमारे होते हैं इश्यू एट पार और एट प्रीमियम। पार का मतलब है
फेस वैल्यू पर, और प्रीमियम का मतलब है फेस वैल्यू से ज़्यादा प्राइस पर। सपोज आपका शेयर है 100 रुपीज़ का, अगर आप 100 रुपीज़ रिसीव कर रहे हैं एक शेयर पर, 100 रुपीज़ के शेयर पर 100 रुपीज़ आपको मिल रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका इश्यू ऑफ शेयर एट पार। अगर आपको एक 100 रुपीज़ के शेयर पर आपके मार्केट में आपके शेयर्स के डिमांड ज़्यादा है, तो पब्लिक आपको ज़्यादा पेमेंट करने के लिए तैयार होगी एक शेयर के लिए। आपका एक शेयर है 100 रुपीज़ का, लेकिन आप मार्केट में उसको सेल कर रहे हैं 110 में, तो 10 रुपीज़ आप एक्स्ट्रा ले रहे हैं, वो एक्स्ट्रा अमाउंट क्या कहलाएगा? आपका प्रीमियम का अमाउंट कहलाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले फॉर कैश कंसिडरेशन अदर देन कैश, इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश के अंदर दो पार्ट हैं, लमसम और इंस्टॉलमेंट, और दोनों के अंदर हम कंडीशंस पढ़ेंगे पार और प्रीमियम की। तो इश्यू ऑफ शेयर एट पार इन लमसम मतलब आपके शेयर की एक फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है और आप 100 रुपीज़ ही ले रहे हैं और सारा पैसा एक ही बार में ले रहे हैं। सबसे पहले जो एप्लीकेशन, सबसे पहले जो शेयर का पैसा दिया जाता है वो एप्लीकेशन के रूप में आता है कंपनी के पास में। ठीक है, मान लीजिए कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए। हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं कि कंपनी इशू कितने शेयर कर रही है। कंपनी इशू कर रही है 10,000 शेयर्स और हमारे एक शेयर की फेस वैल्यू है ₹50। ठीक है, तो अगर लमसम मिलेगी तो सारा पैसा कंपनी एक ही बार मिलेगी। कंपनी को कितना पैसा मिलेगा? 10,000 शेयर्स ऑफ ₹50, 5 लाख रुपीज कंपनी को मिल जाएंगे। तो ये पैसा जब हमें एक बार में मिल रहा है, हम इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे, क्या जर्नल एंट्रीज होंगी? पहले फॉर्मेट देखेंगे आप लोग। फॉर्मेट आप लोगों को मालूम है जर्नल एंट्रीज का क्या रहता है। दिस इज डेबिट, दिस इज क्रेडिट, पर्टिकुलर्स। कंपनी को अमाउंट कितना मिल रहा है? 10,000 शेयर्स कंपनी ने ऑफर किए, एक शेयर पर ₹50 मिला है। टोटल अमाउंट रिसीव्ड विल बी 5 लाख। कंपनी के पास पैसा आया है, कंपनी ने अमाउंट रिसीव किया अपने बैंक में, तो एंट्री क्या बनेगी? जैसे ही हमारा बैंक इंक्रीज होगा, हमारा एसेट इंक्रीज होगा, और एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। कितना अमाउंट रिसीव किया आपने? 10,000 शेयर्स पर एट द रेट ऑफ ₹50 ईच, अमाउंट ₹ विल बी 5 लाख। ठीक है, एप्लीकेशन का अमाउंट आपने रिसीव कर लिया। इसके बाद में आप इस एप्लीकेशन के अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे शेयर एप्लीकेशन में, तो एंट्री बनेगी आपकी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। ये एप्लीकेशन का अमाउंट जो आपने रिसीव किया था, आप इस एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर कर देंगे कहां पर? एप्लीकेशन से कैपिटल में। कितना अमाउंट आपने रिसीव किया था? 5 लाख रुपीज। ये एप्लीकेशन मनी आपका ट्रांसफर हो गया कैपिटल में। नरेशन आप लिखते हैं, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। याद रखिएगा, अगर आप इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं तो इक्विटी शेयर लिखेंगे, अगर प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहे हैं तो आप प्रेफरेंस शेयर लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमने कंडीशन देखी, इश्यू ऑफ शेयर एट पार इन लमसम। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में यदि हम बात करें इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम की, तो प्रीमियम में क्या होता है? प्रीमियम में आपको ₹50 की शेयर की फेस वैल्यू है, आपने इशू किया है एट, शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम ऑफ ₹10 पर शेयर। तो इस केस में आपको ₹50 तो शेयर का मिलेगा, साथ में ₹10 किस चीज का मिलेगा? प्रीमियम का मिलेगा। तो टोटल अमाउंट कितना रिसीव कर रहे हैं आप लोग? ₹60 टोटल अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, 10,000 शेयर पर ₹60 रिसीव कर रहे हैं। तो इस केस में आपको कितना अमाउंट आ रहा है इन टोटल? सेकंड केस हमारा शुरू हो गया, ₹60 मिल पा रहे। टोटल एप्लीकेशन पर इस बार अमाउंट कितना आया आपको? 10,000 इंटू 60, 6 लाख रुपीज रिसीव हुए। अब ये 6 लाख रुपीज आपको रिसीव हुए एप्लीकेशन पर,
बट इसमें शेयर की शेयर के अंदर जो अमाउंट ट्रांसफर होगा वो हमेशा फेस वैल्यू पर होगा, ये याद रखिएगा। शेयर कैपिटल में हमेशा क्या अमाउंट शो करेंगे, फेस वैल्यू शो करेंगे। फेस वैल्यू कितनी हमारी यहाँ पर एग्जाम्पल में 50 रुपीज है, तो शेयर कैपिटल के अंदर अमाउंट ट्रांसफर होगा आपका 10,000 एट द रेट ऑफ रुपीज 50। 5 लाख रुपीज चला गया आपका शेयर कैपिटल में, अमाउंट रिसीव किया था आपने 6 लाख, 5 लाख ट्रांसफर हो गया कैपिटल में, अभी 1 लाख रुपीज बचा हुआ है, वो किस चीज का था, प्रीमियम का। प्रीमियम आपके लिए क्या है, प्रीमियम आपके लिए प्रॉफिट है, क्योंकि आप अपने 50 रुपए के शेयर को सेल कर रहे हैं मार्केट में 60 रुपीज में, ठीक है। 50 रुपए की चीज बिक रही है 60 रुपीज में, तो 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है आपको। प्रॉफिट हमेशा क्या होता है, रूल आपको याद होंगे नॉमिनल अकाउंट के, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यहां पर प्रीमियम आपके लिए इनकम है तो क्या होगी, क्रेडिट होगी। देखिए किस तरीके से लिखेंगे आप इसे, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। इसके अंदर कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा, 10,000 शेयर्स है, प्रीमियम आपका एक शेयर पर है 10 रुपीज, तो कितना अमाउंट आपका जाएगा प्रीमियम पर, 1 लाख रुपीज, ठीक है। डायरेक्शन दे देंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड टूवर्ड्स कैपिटल एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ओके। ये हमने अब दो कंडीशंस, दो केसेस देख लिए हैं, इश्यू ऑफ शेयर एट लमसम के पार पर भी हमने देख लिया और प्रीमियम पर भी देख लिया। अब हमारी बात आती है इंस्टॉलमेंट की, अब हम शुरू करते हैं इश्यू ऑफ शेयर इन इंस्टॉलमेंट। एक एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज ए लिमिटेड इश्यूड 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 20 ईच पेबल रुपीज 5 ऑन एप्लीकेशन रुपीज 10 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन कॉल। तो इस केस में आप देखिएगा, यहां पर हमारा अमाउंट रिसीव हो रहा है इंस्टॉलमेंट में, 20 रुपीज आपको पर शेयर लेने थे, जिसमें से 5 रुपीज आप एप्लीकेशन पर रिसीव कर रहे हैं, 10 रुपीज आप अलॉटमेंट पर रिसीव कर रहे हैं, और बैलेंस कितना बचा, 10 और 5 15 हो गया, बैलेंस कितना बचा, 5 रुपीज आप कॉल पर रिसीव करेंगे, ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज क्या बनेंगी, पहले आपने सारा अमाउंट रिसीव किया था एप्लीकेशन पर, अब बस सब डिवीजन हो गया है एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल्स के बीच में। एंट्री किस तरह से बनाई जाएगी, एंट्री बनेगी आपकी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू रिसीव बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। सबसे पहले आप कितना अमाउंट रिसीव कर रहे हैं एप्लीकेशन पर, एप्लीकेशन पर आपको मिल रहा है 10,000 शेयर पर 5 रुपीज पर शेयर, तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड विल बी 50,000, क्लियर हो गया। एप्लीकेशन पर अमाउंट रिसीव हुआ 5 रुपीज, बीइंग एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड, इसके बाद में आप इस एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करते हैं कैपिटल में, तो एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट आया था आपका एप्लीकेशन पर, 50 रुपीज एप्लीकेशन पर रिसीव हुआ था, आप इस एप्लीकेशन मनी 50,000 को, कितना है एप्लीकेशन मनी 50,000 को ट्रांसफर कर देंगे कहां पर, शेयर कैपिटल में, ओके। जो भी एप्लीकेशन पर अमाउंट रिसीव किया गया आपने उसको ट्रांसफर कर दिया कैपिटल में। इसके बाद में आप अमाउंट ड्यू करेंगे अलॉटमेंट का, अलॉटमेंट के ड्यू की एंट्री है ड्यू फॉर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के ड्यू की एंट्री बनती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट पर कितना अमाउंट रिसीव करना है आपने पर शेयर, 10 रुपीज रिसीव करने, 10,000 शेयर्स हैं,
तो टोटल कितना अमाउंट आएगा आपके पास में जो आप ड्यू करेंगे? 10,000 शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच अमाउंट विल बी 1,00,000। आपने अमाउंट ड्यू कर दिया, इसके बाद में क्या होगा, आपको ये अमाउंट रिसीव करना होगा। रिसीव करने पर एंट्री क्या बनेगी, पैसा आपके पास आएगा अगेन सेम बैंक अकाउंट डेबिटेड। लेकिन अमाउंट किस चीज का रिसीव करना है आपने, अलॉटमेंट का, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। ऑन रिसीट ऑफ अलॉटमेंट मनी, जब आप पैसा रिसीव करेंगे तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। अगर इक्विटी है तो साथ में इक्विटी लिखेंगे और प्रेफरेंस है तो साथ में प्रेफरेंस लिखेंगे। अलॉटमेंट पर अमाउंट कितना रिसीव होने वाला है, 1,00,000 रुपीज। ठीक है, यहां पर आपका जो भी अलॉटमेंट का मनी था वो आपको रिसीव हो गया। क्लियर है, हमने देखा कि एप्लीकेशन पर अमाउंट रिसीव होता है तो क्या एंट्री बनती है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। उसके बाद में ये एप्लीकेशन के मनी को आप ट्रांसफर करते हैं कैपिटल में, एंट्री बनती है शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। उसके बाद में आप अलॉटमेंट का मनी ड्यू करेंगे, एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। इक्विटी है तो इक्विटी शेयर कैपिटल, और प्रेफरेंस है तो आपको लिखना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसके बाद में आप ड्यू करेंगे, रिसीव करेंगे अलॉटमेंट का मनी, ऑन रिसीट ऑफ अलॉटमेंट मनी एंट्री आपकी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब हम बात करते हैं, हमारी कॉल रह गई है, हम कॉल के अमाउंट ड्यू करेंगे। कॉल के लिए ऑन ड्यू ऑफ कॉल, कॉल आप ड्यू करेंगे तो कॉल ड्यू करने पर जैसे अलॉटमेंट आपने ड्यू किया था, अलॉटमेंट डेबिट टू कैपिटल, यहां पर भी सेम एंट्री बनेगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। आप कॉल किसके लिए ड्यू कर रहे हैं, कैपिटल के लिए ड्यू कर रहे हैं। जैसे ही आप कॉल ड्यू करेंगे तो कॉल डेबिट हो जाएगी, आपको अमाउंट रिसीव करना है उसके अगेंस्ट, वो पर्सनल अकाउंट है, और कैपिटल आपका क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री बनेगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। इक्विटी है तो आप लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना अमाउंट ड्यू कर रहे हैं आप कॉल पर, आपके पास 10,000 शेयर है, कॉल है आपकी इस बार 5 रुपीज की, भाई 20 रुपीज इन टोटल आपने रिसीव करने थे, 5 रुपीज एप्लीकेशन पर ले लिया, 10 रुपीज अलॉटमेंट पर ले लिया, तो कॉल पर बैलेंस बचा कितना, बचा रुपीज 5, तो 5 रुपीज आपने कॉल पर ड्यू कर दिए। अमाउंट आ जाएगा आपका अगेन सेम 50,000 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट ऑन रिसीट ऑफ कॉल, ऑन रिसीट ऑफ कॉल मनी, कॉल का पैसा मिलने पर एंट्री क्या बनेगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्लियर है, कितना अमाउंट आया ये आपका 50,000 रुपीज, सेम अमाउंट रिसीव हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगर इसी के अंदर हम कॉल सिनेरियर का एग्जांपल ले दें, यहीं पर हम ऐड कर दें कि मिस्टर राम ऑफ होल्डिंग 100 शेयर्स फेल्ड टू पे द कॉल मनी। हम यहां पर इसी एग्जांपल को आगे बढ़ाते हैं कि इन 10,000 शेयर्स में से राम के पास 100 शेयर्स हैं और उसने एप्लीकेशन का पैसा टाइम से दिया, अलॉटमेंट का भी पैसा टाइम से दिया, कॉल की बारी आई तो वो पैसा नहीं दे पा रहा, कोई भी रीजन हो सकता है, उसके पास फंड्स इनसफिशिएंट थे, तो क्या होगा, कंपनी को फुल 50,000 रुपीज नहीं मिल पाएगा, कंपनी के पास पैसा कम आएगा। उस केस में 100 शेयर है, 5 रुपीज की कॉल है, तो कितना पैसा नहीं मिलेगा कंपनी को, 5 रुपीज नहीं मिलेंगे। अगर कॉल से इन एरियर होता है तो हमारा किस तरीके से यहां पर चेंज आएगा, कंपनी को 500 रुपीज कम मिलेंगे तो अमाउंट कितना रिसीव होगा उस केस में, 49,500। 500 जो नहीं मिला उसको आप क्या बोलेंगे, उसको आप बोलेंगे कॉल सिनेरियर। क्लियर है, जो अमाउंट रिसीव नहीं होता वो कंपनी के लिए लाइक डेटर्स है कि पैसा लेना है, वो डेटर्स है तो एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट हो जाएगा।
50,000 लेना है फर्स्ट कॉल पर, उसमें से राम होल्डिंग 100 शेयर्स फेल टू पे द अमाउंट ऑफ कॉल मनी, तो 500 रुपीज कंपनी को नहीं मिला, तो कंपनी को मिला कितना है, 49,500 रुपीज मिला है। ठीक है, ओके।